केंद्र की सरकार आरएसएस के एजेंडे के तहत सिखा का घाण करन ते उतारू हुई पई है ते अजिही गुंगी अते बोली सरकार की अख नक अते कन खोलन लई ही श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वल्लों वर्ल्ड डेमोक्रेटिक दिहाड़े ते 15 सितंबर नूं अमृतसर विखे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उक्त विचारां दा प्रगटावा ईमान सिंह मान अकाली दल अमृतसर के यूथ सरप्रस्त ने फगवाड़ा विखे पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कीता। उन्हां कहा कि सिख धर्म की इको एक जथेबंदी है श्रोमणी कमेटी जिस दीआं चोणां होईआं नूं 11 साल बीत चुके ने पर केंद्र की सरकार ये चोणां नहीं होण दे रही। उन्हां कहा कि इस दे चलदिआं ही केंद्र सरकार दीआं अखां खोलण लई श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वल्लों अमृतसर विखे कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिस विच पूरे देश विचों सिख धर्म ते सिखी नूं प्यार करन वाले लोग शामिल होणगे। ते अज असी 15 सितंबर नूं जिहड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड नेशन ने डिकलेयर किया है उत्थे समूह सिख जगत नूं बेनती करदे हैं जिहड़ी साडी जमहूरियत संस्थावां अज रद्द कीतियां गईयां 11 साल हो गए चोण नहीं होए 1947 तो बाद भारत की जिहड़ी लोग सभा 17 बारी चुनी गई है एस जी पी सी जी उस तो पुरातन संस्था हैगी है जमहूरीत की वो सिर्फ 8 चोण होए हैं। असी मंग करते हैं होम मिनिस्ट्री ने जड़िया साड़िया चोणा बंद कीतिया वो बहाल कीतिया जान 15 तरीक नू वाहेगुरू का नाम लेंदे हुए रब नू मनन वाले अपनी जमहूरीत संस्था नू बहाल करन बारे उनू नास्तिकता तो बचाण वास्ते असी उत्थे कट करांगे और उस कट राही अपने जमहूरीत हक बहाल करन दी बेनती करांगे। सर जिहड़े शहीद भगत सिंह बारे एक मुद्दा बड़ा उठिया ते मतलब मान साहब ने कहा भी वह अतवादी आ उहदे बारे की विचार है तुहाडा? हाँ शहीद भगत सिंह का अपना लेख है वाई आई एम एन एथीएसट वो अपने आप नू नास्तिक खुद कहने हैं उन्होंने आप दे वचना दे विच वो कहने हैं I could never believe in the mythology and doctrines of Sikhism or any other religion. ठीक है ना जी वो साडे इतिहास नू मिथिहास कहंदे हैं कि मैं धर्म च बिल्कुल नहीं मानता हैगा। जब किसी ने उन्होंने पूछया कि अखीरले दिनों च थोड़ा हंकार लथ जूगा तुसी मनन लग पोंगे वो कहंदे हैं नो डियर सर इट शैल नॉट बी I will think that to be an act of degradation, नीचता दा मैं एक सबूत समझूंगा जे मैं मनन लग पिया ते मेरी demoralization दा वो एक हिस्सा होगी For selfish motives, मेरे अपने निजी सोचा वास्ते मैं अरदास प्रे नहीं करूंगा। रीडर्स ते फ्रेंड्स ये चिट्ठी जिन्होंने भेजी है पब्लिक कीती है कहिंदे ये हंकार है जे हंकार है मैं हंकारी हूँ। ये सारे मुद्दे पानिया दे ए देखो सारी सोचा आ गई उरे कांग्रेस की आ रही है उरे बीजेपी की आ रही है अकालिया की आ रही है आम आदमी पार्टी की आ रही है पर साडे हक पंजाब दे किसे ने नहीं बहाल किते। ये गुरु की सिखी की सोच ये इनू रोक सकती है जे असी आपके घर के उत्ते ध्यान ना दिता जे असी अपने गुरु घर के उत्ते ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸੋਚ ਕੱਢੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ? ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਗਵਾਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤਗੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।